रेलवे बस स्टेशन के आसपास से 500 मीटर की परिधि में तमाम डग्गामार वाहन संचालित होते हैं, जिसकी सूचना पर मंगलवार की रात क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम पीके तिवारी ने डग्गामार बसों के संचालन की सूचना पर रेलवे बस स्टेशन पहुंचे, जहां पर धड़ल्ले से डग्गामार बस खड़ी कर यात्रियों को बिठाया जा रहा था। क्षेत्रीय प्रबंधक ने अपने चालक के साथ जब डग्गामार बस की जांच करने के लिए पहुंचे, तभी डग्गामार बस के चालक ने उनकी तरफ बस को बढ़ा दिया। बचने के चक्कर में क्षेत्रीय प्रबंधक व उनका चालक दोनों ही गिरकर चोटिल हो गए और बस चालक बस लेकर फरार हो गया। क्षेत्रीय प्रबंधक के चालक धीरेंद्र राय ने इस संबंध में तहरीर कैंट थाने को दी है, जिस पर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच चल रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए परिवहन निगम गोरखपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक पीके तिवारी ने बताया, 8:30 बजे के लगभग मैं इंटरसेप्टर से वही पार्किंग ड्यूटी जो रोड पे बस अड्डे के सामने जहाँ वहाँ ना हो ना लगे इसके लिए हम चेकिंग कर रहे थे, उसी दरमियान एक प्राइवेट बस UP 52T 1688 देवरिया के लिए सवारी भरती हुई देखी गई, तो हमारे चालक दौड़ के वहाँ गया, मैं भी वहाँ पहुँचा और गाड़ी से जैसे उतरे तो वो ले जो है उसको रोका गया, तो वो ले करके एकदम हमारे ऊपर चाहते हुए वो भागा एकदम से, और अगर हम लोग ना हटे होते और तो वो बस पूरा चला दिया होता और हम लोग उसी में इत्तफाक से गिर गए, तो गिरने के कारण ही हम लोग बच गए। अगर हम लोग थोड़ा सा होता तो साइड भी एक तरफ वो था डिवाइडर था, तो हम लोग भाग भी नहीं पाए, लेकिन गिरे हैं जो उससे हम लोग बच गए। और इस तरीके की वारदात ये लोग आए दिन करते रहते हैं, इसके लिए हम लोगों ने लिखित RTO को एक लिस्ट भी दिया है और इसमें यदि समय से कार्रवाई हो जाती तो लगभग सभी कंसर्निंग अधिकारियों को जो है उसकी हम लोगों ने एक सूची भेजी हुई है RTO DM साहब SSP साहब को। इसमें इन लोगों को रोकने के लिए हम लोग जिला प्रशासन से जो है सहयोग मांग रहे हैं और इसमें हम लोग सहयोग चेकिंग करके इनको बंद कराने का प्रयास करें।